ओके सो व्हाट्सअप गाइस, कैसा सभी लोग, आप सभी लोगों का स्वागत है दोबारा से गेम प्ले वीडियो के अंदर। और आज हम जाने वाले अपने पार्लर मोबाइल जाने यूट्यूब पे और आज वर्ल्ड के अंदर। और गाइस यार, आज वो दिन आएगी जब हम लोग करने वाले हैं रॉक मॉन्स्टर को कैप्चर, यानी कि आज हम सफल करने वाले हैं रॉक मॉन्स्टर को। और साथ ही साथ यार, जैसे कि आप लोग मालूम ही होगा, मेरे पास अभी तक कोई एक तरह से पोकेमोन नहीं, इसीलिए यार हम लोग को आज थोड़े बहुत फार्म को फाइंड करना है और अपने लिए कुकिंग पॉट बनाना है, काफी कुछ काम करना है। तो भाई बिना किसी देरी के भाई चलते गेम के अंदर और देखते भाई क्या सीन होता है। लेकिन उससे पहले यार तुम लोगों को भाई याद दिला दूं, यार तुम्हारे भाई ने लिया भाई 30 डे 30 मिनट चैलेंज, जिसका शायद सर भाई डे 12 है, तो आई होप आपको याद होगा। अब चलते भाई गेम की तरफ। तो गाइस सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब और वर्ल्ड के अंदर। और गाइस यार अभी का सीन ये है कि अभी भाई अपना करेक्टर भाई सारी एचपी फुल है, लेकिन यार मेरे को बस एक चीज समझ नहीं आ रही है भाई, मैंने लास्ट टाइम यार अपनी वाटर बॉटल को भाई क्राफ्ट कर लिया तो भाई अभी दिख नहीं रहा है। वैसे भाई इतने ज्यादा भाई धूप वाले एरिया में अपना घर ना है ना, कि भाई दो मिनट के अंदर भाई प्यास लगती रहती है, तो ऐसे पानी इन लोगों को पिलाना बहुत जरूरी है। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग को जाना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा यार वाटर बॉटल बनाने की भाई रेसिपी क्या, क्योंकि यार मैंने लास्ट टाइम बनाई थी यार, मेरे को अच्छे से याद है। तो फिलहाल भी देखते हैं भाई अपनी वाटर बॉटल का। और हाँ यार गाइस, मैंने जैसा कि आप लोग बताया कि हम लोग को बनाना है भाई अपना कुकिंग पॉट, और भाई मेरे पास भाई आयरन नहीं भाई, हम लोग को आयरन भी चाहिए। और भाई हम लोग को अभी बहुत सारे सामान की जरूरत है यार, अभी देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें चाहिए इसके अंदर। और भाई हम लोग अभी अपना पॉप चॉप भी बनाना अपने एचपी के लिए, तो उसका भी हम लोग थोड़ा बहुत इंतजाम कर लेंगे। लेकिन भाई सबसे पहले यार मेरे को वाटर बॉटल दो यार, अभी लोग बना सकते हैं एक और वाटर बॉटल, तो फटाफट से उसको क्राफ्ट कर लेते हैं। और भाई ये पानी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस यार जैसे कि हम लोगों ने बताया आप लोग को, जैसे कि हम लोग के पास अभी कोई भी पोकेमोन नहीं है, तो गाइस आज हम लोग को यही काम करना है अपने पोकेमोन को लाने के लिए। सबसे पहले जो जरूरी सामान होना चाहिए उसको हम लोग लाना है, क्योंकि गाइस यार अभी हम लोग को भाई बहुत ज़्यादा सामान की जरूरत है। सही बताऊँ तो यार मेरे को भाई थोड़ा सा टाइम लग रहा था, जिसकी वजह से यार हम लोग इसमें अपना लेवल अपग्रेड नहीं कर पा रहे। मतलब यार अभी आप देखो तो भाई मैं इसी कपड़ों में हूँ और मेरे पास थोड़ी सी सामान की भी कमी हो रही है, लेकिन हाँ ये ज़्यादा वक्त तक नहीं रहने वाली। अभी हम लोग भाई फुल मोड पे आ चुके हैं और फुल मोड से हम लोग गेम खेलेंगे और जल्दी जल्दी नए नए पोकेमॉन्स को कैप्चर करेंगे और अपना भी एक प्रो लेवल बनाएंगे। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और अपने लिए थोड़ा बहुत फूड वूड इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यार अभी आप लोग मेरे पास देखो तो भाई फूड के नाम पर मेरे पास कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ जो लोग है उसको भाई हम लोग यहाँ पर पकने के लिए रख देते हैं, जब तक हम लोग घर वापस आएंगे तब तक हम लोग को मिल ही जाएगा वो। चलते हैं घर के अंदर फटाफट से, ये रही अपनी जहाँ हम लोग खाना बनाते हैं, इसी फटाफट से हम लोग यहाँ पे अपना पॉप चॉप बनाते हैं फटाफट से, तुरंत ही भाई बन जाता है। तो फिलहाल फटाफट से बन जाओ, तो मेरे ख्याल से हम लोग जितना भी पॉप चॉप चाहिए था वो हमारा जो बन के पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो यार इसे हम लोग खा सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं। भाई ये क्या है, मशरूम भी रखा हुआ है, तो यार मशरूम भी हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं लगे हाथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मशरूम भी हम लोग पास आ चुका है, तो खाने पीने दिक्कत रहने नहीं वाली है। भाई रात कितनी जल्दी हो जाती है यार, यार इसमें अलग ही टेंशन चल रही है भाई, मैं अपनी चीज़ें सोच रहा हूँ यार रात हो जाती है तो भाई घर के बाहर। और भाई मेरे को भाई जाना है तो जाना है भारी बाहर, अब भाई मैं रात का और दिन का वेट नहीं करने वाला, भाई हम लोग रात ही जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग जाए बाहर जाएंगे तो जाएंगे। तो भाई जैसे कि आप लोग बताया गया, हम लोग सबसे पहले करना है यार अपने आयरन का सामान ढूंढना, ताकि यार हम लोग अपना कुकिंग पॉट ना पाएँ और भी कई जो चीज़ें उनको कर पाएँ। तो फटाफट से हम पहले यहाँ पे ढूंढते हैं अपने लिए कुकिंग पॉट, और मतलब कि आयरन बाहर ढूंढते हैं और आयरन की माइनिंग करते हैं और फटाफट से आयरन को इस पर लगाते हैं और अपने लिए बनाते हैं कुकिंग पॉट। कि अब भी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आज हम लोग अपने रॉक मॉन्स्टर को भी लाने वाले हैं, तो गाइस थोड़ा सा समय दो, हम लोग कुछ ही देर में अपने रॉक मॉन्स्टर को समन करने वाले हैं। तो गाइस बस थोड़ा बहुत इंतजार लेना, पहले हम ढूंढते हैं यार अपने आयरन को। गाइस हम लोग यार आज एक और भी चीज़ करनी है, अगर ये हो पाया तो, अगर ये पॉसिबल हो तो यार हम लोग आज ही के दिन पे भाई वीट फार्म को ढूंढना है भाई, जितना भी वीट हम लोग हो सकता है भाई कलेक्ट करके रखना है हम लोग को, क्योंकि यार जितने भी पोकेमोन मिलने वाले भाई वो वीट ही की मदद से मिलने वाले हैं। और यार अभी हम लोग पास भाई वीट ही नहीं तो भाई आगे काम कहाँ शुरू होगा। तो गाइस चलो बात होगा, तो हम लोग भाई यहाँ पे एक आयरन भी मिल चुका है और एक क्रिएचर भी मिल चुका है। भाई ये अटैक करेगा ना, ओ चलो क्रिएचर नहीं भाई सिल्वर है, तो सिल्वर अपने काम ही आएगा। बाकी अभी उतरते हैं अपने घोड़े से और फटाफट से इसको, अरे यार मेरी भाई पिकेस भी टूट गई थी भाई, अब मैं ध्यान दे रहा हूँ। चलो फटाफट से इसको मैनेज करना शुरू करते हैं और फटाफट से अपने लिए भाई जितना भी आयरन हो सकता है भाई आज उतना आयरन कलेक्ट कर लेंगे। तो गाइस बस मेरे को 2 मिनट दो, भाई जितना भी आयरन हो सकता है मैं कलेक्ट करके आता हूँ, मिलता हूँ लोगों से 2 मिनट के अंदर। तो गाइस यार अभी हम लोग एकदम परफेक्ट जगह मिल चुके हैं जहाँ पे भाई टोटल आयरन ही आयरन की भाई पूरी खदान लगी हुई है। तो गाइस फटाफट से इसको कलेक्ट करते हैं और चलते अपने बेसिक तरफ को अपने सारे का सारे काम को अंजाम देने के लिए। तो गाइस यार अभी आप लोग देखोगे तो भाई मैं यहाँ पे भाई आयरन माइन कर रहा हूँ और भाई सामने भाई मेरे भाई रात वाले मॉन्स्टर्स खड़े हुए हैं, तो भाई उनसे थोड़ा बच करना पड़ेगा हम लोग को। और मेरे ख्याल से भाई मेरे पास इतना ज़्यादा आयरन हो चुका है, भाई मेरे पास 24 आयरन हो चुका है, मेरे ख्याल से भाई सफिशियंट रहेगा। बाकी जरूरत पड़े तो भाई मैंने ये लोकेशन अच्छे से चेक कर लिए, हम लोग दोबारा से यहाँ पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी चलते भाई फटाफट से अपने बेस की तरफ को, और भाई मेरे ख्याल से भाई अपने बेस से भाई ज़्यादा ही दूर निकल आ गया हूँ शायद से शायद, बाकी ऊपर लोकेशन देखते हुए चलेंगे, क्योंकि भाई मैं एकदम भाई खुले चलता आ रहा था, भाई मैंने लोकेशन देखी भाई मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से हम लोग आ चुके अपने घर की तरफ को,
तो गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई अपने घर के पास। और भाई ये देखो भाई कितने ज्यादा इमोशनल यहाँ पे रेड हो रखे हैं। और भाई मेरे ख्याल से भाई ये लोग मैजिक वांड वाले तो इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि भाई लोग थोड़ा दूर दूर से बैठे कर लेते हैं। तो फटाफट चलते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, अब चलते हैं भाई अपने घर के अंदर फटाफट से जितनी जल्दी हो सकता है। और अपने आयरन को यहाँ पे स्मेल्टिंग नहीं लगाते हैं और फिर अपने आगे का जो काम है भाई उसको शुरू करते हैं। तो भाई फटाफट चलो भाई स्मेल्ट कर दे यार, क्या कर रही। हाँ तो भाई अब अपने भाई मैंने एयर उड़ाने रखे हुए यार, मैं क्या कर रहा था। चलो आयरन डालते हैं इसके अंदर, एड फ्यूल पर डालते हैं और एड फ्यूल पर कोल डालने वाले हम लोग। अरे भाई जितना जितना ले लो, लेकिन भाई फटाफट से हम लोग यहाँ पे जितना भी आयरन हो सकता है भाई करते हैं। तो भाई 15 मिनट लगेंगे भाई आयरन को स्मेल्ट करने में से। चलो कोई दिक्कत बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे 15 मिनट का वेट करने वाला हम लोग को। तो यार मेरे पास भाई फूड है तो पूरी मेरी, लेकिन चलो खाई लेते हैं थोड़ी बहुत, हाफ हो ही गई है। तो फिलहाल देखते हैं अपने पास 4 आयरन स्मेल्ट हो चुका है और अपना जो कुकिंग पॉट है भाई वो इतने तो भाई पन के अच्छे से तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं होने वाली है। तो ये रहा आपका कुकिंग पॉट, इसे बना के लोग तैयार कर लेते हैं। भाई मेरे बैग में आ गया ना एक सेकेंड, कुकिंग पॉट आ गया। अरे भाई मैंने बना तो लिया यार। अच्छा ओके अपने पास भाई ओके लॉक नहीं, तो भाई हम लोग फटाफट से ओके लॉक डालने पड़े। भाई क्या किस्मत चल रही यार मेरे पास, भाई आयरन आ गया, स्टोन आ गया, अभी तक भाई ओके लॉक ही नहीं मेरे पास। और भाई ये वाले मेरे खास लॉक चलने वाले हम लोग के, तो फटाफट से इसको भी चेक ले लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत बात नहीं होने वाली। और भाई हम लोग जितनी जल्दी हो सकता है भाई इस वर्ल्ड में जल्दी जल्दी प्रोग्रेस करनी पड़ेगी, और मेरे को थोड़ा फ्री टाइम में भी इसे खेलना पड़ेगा, तभी हम लोग अपने इस वर्ल्ड को थोड़ा सा अच्छा सा अपग्रेड दे पाएंगे। तो एक्स निकालते हैं भाई, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया यार ये, इसको भाई मेरे को थोड़ा सा अब आराम भी देना पड़ेगा। बाकी हम लोग सारे रबड़ का ट्री टोटल है, तो शायद ही इससे भाई हम लोग को ओक लॉक मिले, बाकी मिल भी सकते कुछ कर नहीं सकते क्योंकि यार ये रबड़ का ट्री होने वाला है। बाकी देखते हैं हम लोग इससे क्या मिला है। ओके लॉक मिल गए हम लोग को, वही चाहिए था, और रबड़ मिल गई। तो यार रबड़ का पता नहीं कुछ तो यूज़ होगा, क्योंकि तभी हम लोग को मिली यार भाई इस गेम में। भाई जो कुछ मिलता है भाई सबका A1 यूज़ है। तो फटाफट चलते अपने घर के अंदर और चलते बनाते हैं अपनी कुकिंग पॉट को, और फिर वहाँ से कुछ देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। बाकी पीछे वाला दरवाजा भी यूज़ होता है क्या भाई? ये सेकंड भाई पीछे वाला गेट भी हमने मैंने आज देखा यार, भाई खोलता तो था लेकिन भाई यहाँ से निकलता नहीं था मैं। तो चलो फटाफट से हम लोग बनाते अपने कुकिंग पॉट को यहाँ पे, और यहाँ पे अपना एक कुकिंग पॉट बन के तैयार हो चुका है। तो इसको डालते हैं अपने इन्वेंटरी के अंदर। भाई ये क्या है? फोर्ज यूज़ है यार, आप लोग बताना मेरे को नहीं पता। और ये अपना भाई फार्मिंग का तैयार हम लोग, उसके लिए भाई किले भी चाहिए होगा, भाई किले देखना पड़ेगा किले हम लोग कहाँ से ला सकते हैं। बाकी कुकिंग पॉट को यार हम लोग कहाँ रखें भाई, यहाँ देखने वाले भाई बाहर रखते चल के, क्योंकि यार कुकिंग के सामान तो भाई वो बाहर बनाने वाले हैं, कौन सा यार हम लोग अपने लाने। बाकी ये जगह भाई एकदम मस्त लग रही है, बाकी हम लोग चाहे तो भाई रख यहाँ भी सकते हैं, लेकिन यार ये जो जगह है ना भाई मेरे घर के पास है, तो हम लोग उसे रखने वाले इस जगह पे। तो फटाफट से कुकिंग पॉट को जो मैंने यहाँ पे रख दिया है, और अब इसको देखते हैं हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या कुक कर सकते हैं इसके अंदर। तो भाई मेरे पास भाई कुछ कुक करने वाला लायक तो है नहीं, बाकी मैंने डाल दिया भाई कुछ भी, भाई मैं कुछ भी डालता जा रहा हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो बनेगा यार। बाकी देखते हैं इससे हम लोग को क्या मिलता है, थोड़ी बहुत रेसिपी भी हम लोग जाननी पड़ेगी कि भाई इससे क्या बनता है, भाई हम लोग को मिला क्या है। भाई टाइम लग रहा है कहीं सेकेंड, हम लोग को भाई कुछ तो अजीब सी चीज़ मिली हुई है, ये अरकेन क्यूसिन मिला हम लोग को। तो भाई इसका यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को। अरे भाई मैं ही खा गया। अरे भाई मेरी वाटर भी इतनी जा रही है यार, भाई इससे पहले वाटर अपना ख़त्म हो फटाफट से भाई मेरी वो लाओ, मेरी ये लाओ फटाफट से। वो चलो भाई कितनी जल्दी हो सकता है भाई मेरे घोड़े निकल, घोड़ा आ जा भाई जल्दी आ जा भाई, मेरा भाई 6 लेवल भाई ख़त्म होने वाला है, फटाफट से हम लोग यहाँ पर उतरते हैं चुका है। तो फटाफट से चलते हैं अब हम लोग उस रूइन कासल के पास। तो गाइस यार अभी का सीन ये है कि भाई हम लोग के सामने वही रूइन कासल है, आप लोग ऊपर तरफ देख पा रहे होंगे, तो भाई हम लोग वहीं पे जाना है। और भाई यहाँ पे वाटर वाटर सामान भी है, तो भाई हम लोग यहाँ पे अपना जो वाटर बेचने वाला सामान है भाई उसे भी कलेक्ट करते हुए चलते हैं। फटाफट से उन्होंने रख लिया है, अब मेरे पास कोई वाटर दिक्कत होने नहीं वाली, जब भी प्यार का तो यहाँ से आगे पी सकते हैं। बाकी इनसे थोड़ा बच रहना पड़ता हम लोग को यहाँ से, मस्त भाई ये यहाँ पे भाई मस्त कर एक झंडा बना हुआ जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है। और गाइस लगे आते हम लोग यहाँ पे अपना जो हम लोग अपना रॉक मॉन्स्टर को समन करना है वो भी कर लेते हैं। तो चलो फटाफट से इसी वाले स्टोन से हम लोग अपने रॉक मॉन्स्टर को, तो गाइस जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो यार हम लोगों ने यहाँ पे अपने रॉक मॉन्स्टर को बुला लिया है, और भाई इसका नाम रखने वाले हम लोग चिंटू। हाँ गाइस यार इसका नाम उन्होंने रखा चिंटू, क्योंकि भाई हम लोग की फुल भाई मछली काटने वाला है। अभी भाई इसको लेके चलते हैं हम लोग सीधा उस कास्ट की तरफ को, और भाई मेरे को जाना है भाई इस वाले पहाड़ की उस तरफ को। तो फटाफट चलते हैं भाई इस वाले पहाड़ की उस तरफ को, और मिलते हैं भाई उन राक्षसों से, देखते हैं भाई क्या उखाड़ लेते हैं हमारा। भाई चलते हैं सीधा उन लोगों के पास, और आई थिंक भाई हम लोग इस वाले स्तर से भाई चिंटू को आसानी से लेके जा सकते हैं उस तरफ को। भाई चिंटू आ जाना यार, भाई धोखा मत देना भाई, आ जा रहा ना पीछे, हाँ आ जा। तो फटाफट से चलते हैं ओल्ड टाउन माउंटेन्स की तरफ को हम लोग आ चुके हैं, और यहाँ पे भाई कई सारे पत्थर रखे हुए, और भाई हम लोग चाहें तो भाई चिंटू उसकी आर्मी बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी हम लोग जाना भाई फटाफट से उस तरफ को, भाई चिंटू भाई बंदा तो मस्त यार पीछे आता रहता है। तो भाई हम लोग आ चुके भाई अपने उसी वाले रियून कास्ट की तरफ को, और जय भी मिलने वाले हम लोग को भाई वो डार्क मॉन्स्टर्स जिन
क्या कर रहा भाई चिंटू आज, ये क्या भाई, अरे मैजिक खत्म हो जाए, चिंटू भी खत्म हो जाए, वैन थोड़ा देखना एकदम पड़ेगा। बाकी यहाँ पे एकदम फाउंटेन बना हुआ है, मेरे ख्याल से भाई वाटर की जरूरत नहीं, बाकी मेरे पास अभी एक पाउच वाटर और है, तो कोई दिक्कत बात ऐसे होगी नहीं। अभी चलते हैं भाई स्वास्थ्य केंद्र, देखते हैं जो फाइट है वो होती है या फिर नॉर्मल से हम लोग ये लोग अपना काम करने देते हैं। गाइस यार अभी हम लोग आ चुके हैं भाई उसी कासल की तरफ को, और भाई यहाँ पे आते देखो भाई कितने सारे मॉन्स्टर्स, भाई इनके पास अलग ही वेपन है, और भाई साथी में हम लोग आए तो आए भाई साथी में रात को आए, थोड़ा वो देखना पड़ेगा। और भाई ये मौका एकदम सही, भाई हम लोग एकदम चेस्ट के पास ही हैं, भाई ये वाली चेस्ट एक नहीं पता, बाकी हम लोग भाई ये वाली चेस्ट तो भाई देखने से अंदर क्या है भाई, खुल जाए चेस्ट, अरे चेस्ट भाई खुल जाए यार, भाई चेस्ट ही ना यार ये भाई लॉक वॉक तो नहीं लगा हुआ है इसमें, ये ब्लू प्रिंट चेस्ट है, और भाई ये मैं जितना तोड़ रहा हूँ भाई टूट भी नहीं रही है, पर मेरे खास भाई इसको खोलने के हम लोग कोई चाबी भी चाहिए होगी या कुछ तो भाई चाहिए होगा, तो भाई वो हम लोग देखना पड़ेगा उधर पे, भाई वही मॉन्स्टर्स हैं तो उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा, चिंटू से ऐसे भी नहीं भिड़वाना है भाई, जब तक कोई हमें ना लड़ा है भाई तब तक हम लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत हम लोग देखना पड़ेगा उसके लिए। बाकी यार अभी मेरे को भाई उस चेस्ट को ढूंढना है जैसे तैसे करके, ये मॉन्स्टर्स खड़े हुए यहाँ पे, चिंटू आ जा भाई जरूरत है, चिंटू के बच्चे कहाँ गया यार, आ जा भाई कहाँ गया भाई, थोड़ी बहुत फाइट कर रहा है मेरे लिए, अरे भाई वो उसी के पीछे लग गया, तो गाइस जरा वैसे नहीं कि भाई चिंटू तो भाई उन्हीं के पीछे लग चुका है, फुल्ली हाथ धो के भाई मार तू इनको मार आके, भाई इनको मार, भाई मेरे को ये वाली चेस्ट खोलनी भाई जैसे करके, भाई मेरे को भाई ये वाली चेस्ट चाहिए भाई जैसे जैसे करके, भाई कुछ भी करो भाई ये वाली चेस्ट दो, क्योंकि भाई मेरी एनर्जी जो भाई वो काफ़ी लो चुकी है, फिलहाल मेरा हॉर्स भी यहाँ से जा चुका है, तो थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा हम लोग को, भाई मेरे पीछे भाई जितने कीचर्स भाई सारे सारे मेरे पीछे लग चुके हैं, बाकी मेरी हेल्थ तो भाई पूरी है, बाकी मेरे चिंटू कहाँ गया, एक सेकेंड चिंटू भाई कहाँ गया भाई, चिंटू मार दिया क्या इन्होंने, अरे भाई साहब कितनी ज्यादा पावर है भाई, इन्होंने भाई मेरे को भी मार दिया। तो गाइस यार भाई मेरे को तो लगा था कि यार अपना रॉक मॉन्स्टर भाई हम लोगों का साथ देगा, फाइट करेगा और हम लोग के साथ भाई मस्त मस्त लूट करेगा, लेकिन भाई वो तो भाई अंदर जाके भाई खुद ही डिस्ट्रॉय हो गया। तो गाइस यार मेरा ये वाला प्लान तो फेल हो गया यार, गाइस हम लोग को यार कोई तगड़ा सा पोकेमोन को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी यार उस कासल के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि यार भाई वहाँ पे इतने सारे बंदे हैं कि भाई वहाँ पे अकेले जाना, वो भी बिना आर्मर के बिना कुछ तगड़े वेपन्स के, तो भाई वो तो एकदम बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसलिए ऐसा। तो गाइस सबसे पहले यार हम लोगों को अपने वेपन्स को आर्मर को अपग्रेड करना पड़ेगा आयरन पे या फिर सिल्वर पे, और उसके बाद एक तगड़ा सा पोकेमोन को कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं उस कासल के अंदर। तो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में बताई आई पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, मैं भी तब तक लिए बाय बाय।